हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम सेट को एक्सप्लेन कर रहे थे। सेट के ही अंदर एक टर्म आती है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी टर्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, तो इसके हम डेफिनेशन देखेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। ओके, बहुत ही इजी है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी। ठीक है, तो कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 1 2 3 4। देयर फोर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो और इसी को हम कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। ओके, तो जितने भी एलिमेंट सेट में प्रेजेंट होते हैं उसे हम एन ऑफ ए से डिनोट करते हैं और उसे ही हम कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ए। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो हमें आगे जाके काम में आ सकती है। ओके, सो प्रॉपर्टीज़, तो कार्डिनलिटी की पहली प्रॉपर्टी है कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके, ये काफ़ी फेमस भी, आपने इसे पहले भी देखा होगा। देन सेकंड वन इज कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी होगा। अब देखो, ये प्रॉपर्टी है दोनों सेम। अब यहाँ पे ये टर्म अपसेंट है, क्यों? ये कब होगा? यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिंस सेट ए एंड बी डिसजॉइंट। ओके, यानी जब दो सेट डिसजॉइंट रहेंगे, मतलब क्या होगा? जब दो सेट डिसजॉइंट होते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है? फाई होता है। ओके, यानी कि उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम ये टर्म को स्किप कर देंगे और यहीं तक ही लिखेंगे। ओके, देन अब खाली है तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएंगी? जीरो। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट वन इज कार्डिनलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी। ओके, देखो ये दोनों बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है। अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें लास्ट में ए सेट मिलेगा और बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, सॉरी, ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बी सेट मिलेगा कार्डिनलिटी बी की, और बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कार्डिनलिटी हमें मिलेंगी ए सेट की। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके,
देन सिक्स्थ वन, अब यहाँ पे देखो अगर हमारे पास तीन सेट है ठीक है ए बी सी, तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अभी थोड़ा बड़ा है तो आपको याद रखना होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो ये थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद रखना होगा। एंड सेकंड लास्ट इज सेवन नंबर, अगर हमारे पास कार्डिनलिटी गिवन है कोई भी एक सेट की, सेट ए की एम है ठीक है, तो सेट ए के पावर सेट की जो कार्डिनलिटी रहेंगी वो क्या रहेंगी, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2^n। ओके, तो इसे क्या है ना, इसे कैंडल थ्योरम भी कहते हैं। देन तो ये थी सेवन प्रॉपर्टी, और एक रहेगी ये लास्ट वाली, उसे मैं यहां लिख देता हूं नंबर 8। क्या है, इधर लिखता हूँ, एक कार्डिनलिटी ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ठीक है, इसे सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं ठीक है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं तो इसके ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, दैट इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी माइनस 2 × कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये कट गया जाएगा ठीक है, तो माइनस 2 × कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये प्रॉपर्टीज थी कार्डिनलिटी के। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।